मुसार है जी, वो मुसार है क्या वो? दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में, तो उनके पिताजी किसके जन्म हुए हैं? गणेरिया के जन्म हुए हैं, तो गणेरिया है, वो यादव नहीं है। विवाद जाति पर हो और वो भी बिहार में, तो घमासान मचना तय है। जाति पर नया विवाद राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बीच उठ खड़ा हुआ है। दरअसल जीतन राम मांझी ने लालू यादव के बारे में कहा है कि वो यादव जाति के नहीं है बल्कि गरेड़िया हैं। इस पर लालू यादव ने पलटवार भी किया और पूछा है कि मांझी मुजहर हैं क्या? यही नहीं, लालू की जाति बताने के अलावा जीतन राम मांझी ने कहा कि उनका बेटा पढ़ा लिखा है, PhD और नेट क्वालिफाइड है, वो खुद भी स्नातक हैं। लालू के परिवार की डिग्री क्या है उन्हें बताना चाहिए। इस बयान के बाद तेजस्वी यादव और मीसा भारती भी विवाद में कूद पड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्स न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में जाति को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम नेता जीतन राम मांझी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। मांझी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें यादव नहीं बल्कि गरेड़िया बताया। लालू ने भी पलटवार करते हुए मांझी पर तंज कसा है। कुल मिलाकर पितृपक्ष के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे के पुरखों की जाति उकट दी है। लालू यादव को मांझी ने कहा था वो गरेड़िया के जन्मे हुए हैं। मामला शुरू हुआ जब पत्रकारों ने जीतन राम मांझी से लालू परिवार पर उनके आरोपों के बारे में सवाल किया। मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, वो लोग नहीं पढ़े हैं, मेरा बेटा PhD है, नेट है और प्रोफेसर है, हम भी BA ऑनर्स किए हैं, उनकी डिग्री क्या है वो बताएं। दूसरी बात यह है कि अगर वो यानी तेजस्वी यादव हमको शर्मा कहते हैं तो वो अपने पिताजी के बारे में बताएं कि उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं। गरेड़िया के जन्मे हुए हैं, वो गरेड़िया है, यादव नहीं। एक बात है कि वो लोग नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़ के आए ही हैं। वो PhD है, नेट है, प्रोफेसर है, हम भी BA ऑनर्स किया है, उनकी डिग्री क्या है वो बतावें, एक चीज़। दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में, तो उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं? गणेरिया के जन्मे हुए हैं, तो गणेरिया हैं, वो यादव नहीं है। मांझी के इस बयान पर लालू यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। अपना इलाज करवाने के बाद दिल्ली से पटना वापस आते ही RJD अध्यक्ष लालू यादव एक बार फिर पुराने तेवर में नजर आए। बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ पटना एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर हमला बोला है। जाति को लेकर उठाए गए मांझी के सवाल पर भड़कते हुए उन्होंने उनकी ही जाति को लेकर उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। लालू ने सिर्फ एक लाइन में कह दिया कि वो मुसहर है क्या, मतलब वो यानी मांझी मुसहर है क्या? मांझी जी कह रहे हैं लालू यादव यादव नहीं है, गरेड़िया है। रुक जाए, रुक जाए, वो मुसहर है जी। दरअसल ये पॉलिटिक्स तब गरमाई जब 19 सितंबर को मांझी ने अपने एक्स हैंडल अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में मांझी ने लिखा था, विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर दरवाजों को तोड़ सकते हैं पर हमारे लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते हैं। घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पाल यानी गरेड़ी जी आप राजनीति के लिए अपनी जाति छुपा सकते हैं पर हम नहीं। हम गर्व से कहते हैं हम मुसहर हैं। लालू जी में हिम्मत है तो वो भी कहकर दिखाएं कि हम गरेड़ी हैं। लालू जी पूरे बिहार में दलितों के जमीन पर और मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर किस पार्टी के समर्थकों का कब्जा रहा है ये सबको पता है। आपने और आपके लोगों ने बहुत दबा लिया हम लोगों को, अब करारा जवाब मिलेगा। इधर कैमरा करो, हमारे साथ घायल नहीं है सर, सिर्फ एक का मृत्यु ही हुआ, हार्ट अटैक से हो गया रात में। जब गोलियां चलने लगी सर तो लोग जो है डर गए। नहीं सर, समस्या
लालू यादव का बस इतना कहना था कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कह दिया है जीतन राम मांझी को जीतन राम शर्मा। तेजस्वी ने खुले मन से कह दिया तो जीतन राम मांझी का नाम मांझी जी है, लेकिन लोग उन्हें प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं, जीतन राम शर्मा। इसके बाद तो फिर मांझी के इस पोस्ट के बाद राजद नेता मीसा भारती ने भी हमला बोल दिया। मीसा भारती ने कहा कि अब क्या लालू प्रसाद यादव को जीतन राम मांझी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आप लोग यादव नहीं है, गड़ेड़िया हैं। अब उन्हीं से जाति प्रमाण पत्र तो सब बिहार के लोग को उन्हीं से लेना पड़ेगा, मांझी जी से, इतने सीनियर नेता हैं। कुल मिलाकर जात की बात में दोनों ही दिग्गज नेता एक दूसरे पर हमला बोलने में सारी सीमाएं तोड़ गए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नवादा अग्निकांड को लेकर मांझी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन आरएसएस स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए वो लोग सच नहीं जानना चाहते। बेवजह दोनों पिता पुत्र इस घटना के लिए यादव समाज को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, नवादा में जो घटना घटी है काफी दुखद है और इसको लेकर के साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मांझी जी कह रहे हैं कि इसमें यादवों की साजिश है। मांझी जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मांझी जी केंद्र मंत्री भी है, केंद्र मंत्री का दर्जा आप समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री कई लेवल का होता है, और जो भी बात उन्होंने कही है उनको तथ्यों से लेना देना नहीं है। मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग हैं, जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया उसको केवल वही जो है पढ़े हैं, तथ्य से सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। और भाई केंद्र मंत्री है, जाए ना मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या, मिले हैं क्या, किनकी सरकार है? दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई, जाओ पकड़ो, जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना तथ्यों के जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अब मांझी जो हैं उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया और लालू यादव के वो मुसहर भुइयां है के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि लालू जी हम मुसहर भुइयां हैं, हमारे पिता मुसहर भुइयां थे, हमारे दादा मुसहर भुइयां थे, हमारे परदादा भी मुसहर भुइयां थे, हमारा तो पूरा खानदान ही मुसहर भुइयां है और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर भुइयां हैं। अब इस पूरे मामले में जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने अपने पिता को सीधे तौर पर नसीहत दे दी है। लालू प्रसाद यादव को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा गड़ेरिया कहे जाने पर संतोष सुमन ने अपने पिता को सीधे तौर पर नसीहत देते हुए स्पष्ट कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में जात पात क्या होता है, उन्होंने ये भी कहा, चाहे ये राजनीति हमारे पिताजी जीतन राम मांझी करें या कोई और करें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में ये चीज़ राजनीति में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये निचले स्तर की राजनीति है और ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो भी आज के समय में जब सब कुछ डिजिटाइजेशन के दौर पर चल गया है। ये राजनीति कोई भी करे, हमें उससे मतलब नहीं है। जिस तरीके से बिहार में राजनीति हो रही है जाति को लेकर, आपके पिताजी कह रहे हैं कि लालू यादव गड़ेरिया के जन्मल हैं और लालू यादव कह रहे हैं क्या वो मुसहर है, कैसे राजनीति चल रही है अभी बिहार में? देखिए, इस सब चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। राजनीति में कोई जात पात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, राजनीति विचारधारा से होती है। राजनीति में आप किस विचारधारा को मानते हैं, आपकी क्या विचारधारा, जहाँ तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की बात है तो गरीबों की विचारधारा है, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने पार्टी बनाई है और उनको मंच देते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, कोई जात पात नहीं जानते हैं। ये इस तरह की जो राजनीति है, चाहे काउंटर किसी तरफ से लालू यादव जी की तरफ से हो, चाहे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी की तरफ से हो, हम समझते हैं कि इस तरह का जो भाषा है और इस तरह का जो अभी चल रहा है राजनीति में, सबसे निचले स्तर की राजनीति है। इस निचले स्तर की राजनीति में आज के युग में जो डिजिटल युग है, मोबाइल का युग है और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सब चीज़ों का अब कोई स्थान नहीं रहा। आपको काम करके दिखाना होगा, आपको ये दिखाना होगा कि हम गरीबों के
सही में शुभचिंतक हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर देने से, काउंटर अटैक कर देने से हमको नहीं लगता इससे कोई फायदा होने वाला है। तेजस्वी यादव अपराध को लेकर कहने कि बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई है अपराधी। हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा है, हिम्मत है तो लालू परिवार अपनी तीन पीढ़ी की वंशावली जारी करें। लालू प्रसाद की जाति को लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा। बिहार में जमीन सर्वे के लिए वंशावली देने का काम चल रहा है। हकीकत यह है कि लालू प्रसाद दलित विरोधी मानसिकता के व्यक्ति है। उन्होंने दलितों को हमेशा पैरों से दबा कर रखा है। तो ये जो बिहार में लड़ाई चल रही है मुसहर वर्सेस गरेरिया, ये जीतनराम मांझी और लालू यादव के बीच ये लड़ाई है और दलितों के हितकारी बनने की भी लड़ाई है। जिस तरीके से गरीबों और दलितों कुछ लोग के जो मसीहा कहे जाते हैं लालू यादव, तो अब जीतनराम मांझी को कहीं ना कहीं गरीबों का मसीहा बनना है, दलितों का मसीहा बनना है, इसलिए वो भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और बिहार में एक नए टॉपिक पर सियासत हो रही है, वो भी जातिवाद वाला फैक्टर यहाँ पर हावी दिखाई दे रहा है, बजाय उसके कि जो काम की बात होनी चाहिए बिहार में वो किसी भी नेता के जुबा से नहीं निकलता हुआ दिखाई देता है। जो कार्य करना है उस पर कभी भी बात नहीं होती है और जातिवाद वाला एंगल जो है सभी नेता खुल करके मुखर होकर के इस बात पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये बिहार का एक दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि बिहार में जाति को हावी बनाए रखा है राजनेताओं ने और जाति को कभी भी बिहार से जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति इसी की वजह से चमकती है और इसी आधार पर उनका वोट बैंक भी तय होता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।